हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं एक नए ऑर्गेनल्स का। जैसा कि आपने देखा था, मैंने आपको पिछली वीडियो पे ऑर्गेनल्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो अब आगे का ऑर्गेनल्स जो और भी ऑर्गेनल्स होते हैं, चलिए उनके बारे में देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात करने जा रहे हैं केंद्रक, ठीक है। केंद्रक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। ओके गाइस, तो चलिए बात करते हैं न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ अर्ली बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि हमारा जो सेल्स होता है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। प्लांट सेल्स हो या एनिमल सेल्स हो, दोनों में न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक पाया जाता है। तो कहाँ पे केंद्रक पाया जाता है, उसका क्या यूजेस होता है एंड वो क्या कार्य करता है, ठीक है, इन सभी के बारे में चलिए जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। हमने आपको एक न्यूक्लियस का अलग से पार्ट निकाल के देखा है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जो कोशिका के अंदर मतलब सेल्स के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो इतना बड़ा आपको दिखाई नहीं देता, वो इतनी छोटी मात्रा में दिखाई देता है कि उसे आपको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना पड़ेगा। तो काफ़ी छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, हमारे जो सेल्स एंड कोशिका में होते हैं। तो अगर उसका एक पार्ट अलग से मतलब कि न्यूक्लियस को निकाल कर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से संरचना बन के आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने इसको आपको अलग से दिखा दिया। ओके गाइस, तो इस तरीके से, इस प्रकार से हमारा न्यूक्लियस होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोशिका द्रव में स्थित वह संरचना जो जीव द्रव की क्रियाओं को संचालित करती है, कोशिका का नियंत्रण करती है, केंद्रक कहलाती है। मतलब कि गाइस, जो कोशिका द्रव में स्थित वह संरचना है जो जीव द्रव की क्रियाओं को संचालित करती है और कोशिका का नियंत्रण करती है, हमारा न्यूक्लियस या केंद्रक कहलाता है। ओके गाइस, तो इसको हम डिफिनेशन इस तरीके से बता सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो जैसा आप देख रहे हैं गाइस कि न्यूक्लियस की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया, ठीक है, रॉबर्ट लिखा है, आप लोगों को रॉबर्ट। ओके गाइस, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। ओके, किसमें की थी गाइस? आर्किक पादप कोशिकाओं के में केंद्रक को खोजा था। मतलब कि आर्किक जो पादप मतलब होते हैं उन कोशिकाओं में केंद्रक को उन्होंने खोजा था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब खोजा था? 1831 ईस्वी में। चलिए बात करते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है वो कहाँ पे होता है, इसका स्थान क्या है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि स्तनधारियों की आरबीसी का मतलब क्या होता है? लाल ब्लड, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिर रक्त, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है, स्तनधारियों में, वो पादपों की चलनी पलिकाओं को छोड़कर सभी जीवित कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। मतलब कि वो कहाँ पे नहीं पाया जाता, ये बता रहा है कि आरबीसी व पादप की चालनी बालिकाओं को छोड़कर बाकी सभी जीवित कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं कि हमारा केंद्रक और आकृति के बारे में, मतलब ये केंद्रक की आकार और आकृति कैसे होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, हमारा जो केंद्रक की आकार आकृति होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। चलिए देखते हैं, केंद्रक गोलाकार अंडाकार होता है और इसका व्यास 5 μ से 2 μ तक होता है। कितना होता है गाइस? 5 μ से 2 μ तक इसका व्यास होता है। ओके, और दूसरी चीज गाइस क्या है कि ये एक कोशिकाओं में एक ही केंद्रक पाया जाता है। मतलब कि एक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ सजीवों में से एक अधिक केंद्रक भी पाया जाता है। मतलब कि कुछ ऐसे भी लिविंग्स हैं जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। ओके, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दे रही हूँ, जैसे कि पैरामीशियम, ठीक है, जो हमारा पैरामीशियम होता है उसमें एक से अधिक भी केंद्रक पाया जाता है। पाउचेरिया, ठीक है, अब बात करते हैं कि पैरामीशियम होता क्या है ना गाइस, पैरामीशियम होता क्या है, चलिए इनकी बात कर लेती है। पैरामीशियम एक प्रकार का जीव होता है जिसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है
और इसका आकार और आकृति कुछ स्लीपर के आकार का होता है, इसलिए इसे स्लीपर भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि ये कुछ स्लीपर के आकार का दिखता है। ओके, पैरामीशियम हमारा क्या होता है? पैरामीशियम प्रोटोजोआ एक संघ होता है, और प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत हमारा पैरामीशियम आता है। ओके गाइस, पैरामीशियम प्रोटोजोआ संघ का एक प्राणी या फिर एक जंतु है। ओके, चलिए बात करते हैं आगे उसकी संरचना की, केंद्र की संरचना क्या होती, कैसी होती है, और उसके बारे में चलिए देखते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारा केंद्र की संरचना होती है वो दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है, मतलब कि केंद्रक जो हमारा होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, और जो कोशिकांग है, ठीक है, जो कोशिकांग है वो दोनों झिल्लियों के मध्य, जो हमारा कोशिकांग मतलब ऑर्गेनेल्स है वो दोनों झिल्लियों के मध्य 10 से 15 नैनोमीटर का रिक्त स्थान होता है। मतलब कि जो हमारा केंद्रक होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, और दोनों झिल्लियों के बीच, मतलब कि जो झिल्ली से वो घिरा होता है उन दोनों के बीच का डिफरेंट 10 से 15 नैनोमीटर होता है। ओके, जिसे आप क्या कहते हो? परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं। इस चीज को नोट करिए क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके गाइस, तो इसे परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं, और जो हमारा केंद्रक झिल्ली में निश्चित स्थानों पर छिद्र होते हैं उन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं। कहाँ पर होते हैं? केंद्रक झिल्ली में एक निश्चित स्थान पर जो हमारे छिद्र होते हैं उन्हें हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमारा केंद्रक हुआ। अब देखिए, मैं आपको केंद्रक दिखा दे रही हूँ। हमारा केंद्रक का रियल डायग्राम इस तरीके से है, और अगर उसे एक पार्ट में निकाला जाए तो जिस तरीके से मैंने आपको आगे दिखाया था उस तरीके से वो दिखेगा। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है, जो हमारा मतलब कि न्यूक्लियस होता है गाइस, ठीक है, उसमें इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से, और जैसे कि ये न्यूक्लियस हमारा केंद्रक यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमारा केंद्रक है। ठीक है, ये केंद्रक है, एंड ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो भरा रहता है ना, ये क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ये क्या होता है? क्रोमैटिन। अब बात करते हैं क्रोमैटिन क्या होता है। ठीक है, क्रोमैटिन के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, इसका बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्रोमैटिन जो होता है, क्रोमैटिन को ही हम गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। इसका मेन पूरा प्रोसेस आपको डीएनए में मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको डीएनए या फिर क्रोमोसोम की एक वीडियो अलग से बनाकर दूंगी, तो उसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी क्रोमैटिन के बारे में। ओके, बट ये हमारा क्रोमैटिन, इसमें कुछ ऐसे ऐसे करके झिल्ली नुमा पतली, ठीक है, पतली झिल्ली नुमा पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगी। ओके, तो इस तरीके से ये क्या है? न्यूक्लियस प्रोसेस है। न्यूक्लियस प्रोसेस किसे कहते हैं? न्यूक्लियस प्रोसेस वो होते हैं जो इनके चारों ओर झिल्लियां मतलब बनी होती है, जैसे कि ये, ठीक है, ये जो होती है वो हमारे न्यूक्लियर प्रोसेस है। ओके, तो इस तरीके से हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। ओके गाइस, तो चलिए बात करते हैं आगे हम। जो हमारा केंद्रक होता है वो मतलब कि केंद्रक छिद्रों से आरएनए व प्रोटीन का परिवहन होता है। मतलब कि जो हमारा केंद्रक के छिद्र होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन का परिवहन होता है, और केंद्रक झिल्ली के अंदर एक पारदर्शी अर्धतरल कणिका में समान व स्वच्छ पदार्थ पाया जाता है। किसके अंदर? केंद्रक के अंदर। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, तो आप बता सकते हो उन्हें बहुत आसानी से कि जो हमारा केंद्रक या न्यूक्लियस होता है उसके झिल्ली के अंदर एक पारदर्शी अर्ध तरल कणिका में समान व स्वच्छ पदार्थ पाया जाता है, जिसे केंद्रक व द्रव्य कहते हैं। इसमें आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम, वसा, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। मतलब कि इतने सारे इसमें पदार्थ पाए जाते हैं। ओके, दूसरी चीज गाइस, उसमें आपको ध्यान देने पड़ेगा कि जो हमारा केंद्रिका होता है, ठीक है, मतलब कि जो हमारे ये सारे लवण वगैरह जो पाए जाते हैं, ठीक है, और इसमें जो क्रोमैटिन जाल व केंद्रिका, जो हमारे इसमें क्रोमैटिन जाल होती है, क्रोमैटिन जाल मतलब क्या, जैसे कि आपने देखा था ना, ये जो हमारी क्रोमैटिन जाल इस तरीके से फैली होती है ना गाइस, ये देखिए, आपको मैंने क्रोमैटिन के बारे में बताया था ना, ये जो हमारी क्रोमैटिन जाल है जो इस तरीके से इसमें दिख रही है, आपको मैंने बताया ये, ठीक है, ये जो ये क्या है? क्रोमैटिन है। तो ये जो हमारी क्रोमैटिन जाल मतलब फैली होती है, ठीक है, वह केंद्रिका स्थित होती है। मतलब कि इसमें क्रोमैटिन जाल व केंद्रिका स्थित होती है। किसमें? केंद्रक में। केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन जाल और केंद्रिका दोनों स्थित होती है। केंद्रक और केंद्रिका अलग अलग होते हैं। केंद्रिका को बोलते हैं न्यूक्लिक और केंद्रिका होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। तो याद रखिएगा कि जो हमारा केंद्रक होता है उसमें क्रोमैटिन जाल और क्या पाया जाता है? केंद्रिका। केंद्रिका और क्रोमैटिन जाल दोनों स्थित होते हैं। ओके गाइस,
केंद्रिका की खोज किसने की थी? केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। किसने की थी? फोंटाना। गाइस देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, केंद्रक और केंद्रिका दोनों अलग है, ठीक है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी, ठीक है। या गोलाकार संरचना होती है, जो हमारी केंद्रिका होती है वो गोलाकार संरचना होती है, ओके। और ये दूसरी चीज, या केंद्रक में एक केंद्रिका या अधिक भी हो सकती है, मतलब कि केंद्रक में केंद्रिका जो होती है वो एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे प्याज के केंद्रक में चार केंद्रिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। जो हमारा प्याज होता है, अगर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें चार केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। क्रोमैटिक जाल डीएनए से बनता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, ये सब डीएनए से अटैचमेंट है। तो जो हमारा, मतलब गाइस, क्रोमैटिन जाल होता है, जो हमारा क्रोमैटिन बनता है वो कहाँ से बनता है? डीएनए से, ठीक है। कैसे बनता है मैं आपको बता रही हूँ। जो हमारा क्रोमैटिन जाल होता है वो डीएनए से बनता है। इसके अतिरिक्त आरएनए हिस्टोन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है वो, है ना, गुणसूत्र बोल रहे हैं हम, क्रोमैटिन नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। गुणसूत्र को बोलते हैं इंग्लिश में क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम और क्रोमैटिन दोनों अलग है, ठीक है। ज्यादा डिफरेंट नहीं है, उन्हीं चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। लेकिन क्या अंतर है मैं आपको बताऊंगी। तो जैसा कि जो हमारा यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा क्रोमैटिन जाल है, ठीक है, क्रोमैटिन जाल डीएनए से बनता है। तो क्रोमैटिन जाल हमारा डीएनए से बनता है, और इसके अतिरिक्त, मतलब कि इसके अलावा आरएनए व हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं, किसमें? क्रोमैटिन जाल में, ओके गाइस। और उसके साथ साथ गाइस, जो हमारा क्रोमैटिन जाल व गुणसूत्र के रूप में बिखरा होता है। देखिए, मैंने कहा ना कि क्रोमैटिन और गुणसूत्र दोनों वर्ल्ड अलग अलग है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो जो हमारा क्रोमैटिन होता है गाइस, वो जो क्रोमैटिन की जाल होती है, जो पतली होती है, लेकिन वही जाकर पहले ऐसे ऐसे बिखरी हुई होती है, ठीक है, लेकिन वही जाकर इस तरीके से कुछ बन जाती है, ठीक है, इस तरीके से कुछ बन जाती है गुच्छे के रूप में, ऐसे कुछ करके, तो वही हमारा गुणसूत्र के रूप में बिखर जाता है, जो मनुष्य में लगभग 20 मीटर लंबा होता है। मतलब कि मानव के शरीर में गुणसूत्र जो होता है वो 20 मीटर लंबा होता है, ओके गाइस। तो इस तरीके से हमारा केंद्रक हुआ, ठीक है। तो केंद्रक का बहुत ही प्रोसेस है। अब देखिए, बात यहाँ पे ये आती है कि हमारा केंद्रक, मतलब न्यूक्लियर से किस टाइप का क्वेश्चन पूछ जाता है ना। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा न्यूक्लियर से क्वेश्चन सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर्स की खोज किसने की थी। तो आप बता सकते हैं कि न्यूक्लियर्स की खोज किसने की थी? न्यूक्लियर्स की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब न्यूक्लियर्स में जो केंद्रिका होती है उसकी खोज किसने की थी? हाँ, तो आप बताएंगे फोंटानक ने की थी। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज आएंगे। यहाँ पे जैसे गुणसूत्र वर्ड आया, क्रोमैटिन वर्ड आया, तो क्रोमैटिन की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज किसने की थी? ठीक है, तो गुणसूत्र की खोज वर्डेयर नामक वैज्ञानिक ने थी। डीएनए आया, तो डीएनए क्या होता है? यहाँ पे डीएनए जो होता है उसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। और भी जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आए थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोटीन आया, ठीक है, तो इसमें कौन, मतलब कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है, है ना, ये क्रोमैटिन होता है, वो किन किन चीज, मतलब किससे मिलकर बना होता है? तो आप बता सकते हो कि हिस्टोन नामक प्रोटीन से, है ना, मिलकर बना होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं न्यूक्लियर से, ठीक है। तो गाइस देखिए, हर एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन पूछे केवल एक ही क्वेश्चन उसमें से जाते हैं। तो इसलिए हमें वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा, मतलब पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। इस वजह से जहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो उस चीज़ को आप अंडरलाइन करिए, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं तो उस चीज़ को जरूर लिखिए और उसे इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, ताकि उस चीज़ पर आपका फोकस ज़्यादा जाए। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक भी बनाऊंगी, आगे ही ऑर्गेनल्स पे, ओके।